सुदेव जी इधर नंद जी गए हैं मथुरा में कंस का कर चुकाने के लिए। वहां वसुदेव जी से उनका मुलाकात होता है। देखो जब दो सज्जन मिलते हैं तो उनके मुलाकात करने का तरीका क्या है। वसुदेव जी को पता है नंद जी के यहाँ पुत्र हुआ है और नंद जी को पता है इनके छह छह सात सात पुत्र मार दिए गए हैं। एक दुखी है, एक के घर आनंद मन रहा है। जब दोनों मिले तो वसुदेव जी कहते हैं, अरे रे रे रे, जय हो आपके घर में लाला हुआ है, हमारी बधाई है आपको, कितना सुंदर लाला है, कैसो लाला है। और नंद जी कहते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, आपके यहाँ के सारे बच्चों को कंस ने मार दिया। भैया मिलने का तरीका देखो, हम आप जब जाते हैं तो हम जाते के साथ अपना दुख दर्द शुरू कर देते हैं दुनिया में जा करके, लेकिन नंद गए तो नंद ने उनके दुख की चर्चा की और वसुदेव ने अपने दुख को भुला दिया और उनके घर में जो आनंद है उसकी चर्चा की। जब भद्र लोग मिलते हैं, भद्रों के मिलने का तरीका ही यही है कि अपना बड़ाई या अपना दुख कहने मत जाओ, उनका क्या है उनके संबंध में उनसे बात करो। दोनों के मिलन से बस यही प्रकट होके आता है। इस घटना को यहां कहने का अर्थ क्या है, बस इसी के लिए इसको कहा गया कि वसुदेव और नंद मिले, एक इतना दुखी सब संतान मर गया फिर भी अपने मित्र के सुख में सुखी है, एक इतना सुखी घर में लाला हुआ है पर अपने मित्र के दुख में दुखी होकर बात कर रहा है। यही जीने का तरीका है, यही मिलने का तरीका है। आप सत्य बताओ कि हम लोगों में से कितने लोग ऐसे कहीं जाते हैं, हम तो जाते के साथ ऐसा किसी के घर में अच्छा भी हो रहा हो ऐसा अपना दुख गाते हैं कि बेचारा वो भी डिप्रेशन में चला जाए। अरे रहने दो, उसके घर में आनंद है, क्यों अपना दुख हर जगह बांटते चल रहे हो। तुम तो जन्मजात दुखी पैदा हुए ही हो, दुखी राम तुम्हारा नाम ही है, क्या किया जाए। तुम अपना दुख छोड़ नहीं सकते तो कम से कम दुख तो चारों तरफ मत बांटो, मत बांटो दुख को। एक महात्मा कहते थे पत्नियों के संबंध में, बोला पहले चंद्रमुखी, फिर दो साल के बाद सूर्यमुखी, पांच साल के बाद ज्वालामुखी और दस साल के बाद तू भी दुखी मैं भी दुखी, दोनों ही दुखी चल रहे हैं। केवल वो सूर्यमुखी तक नहीं रुके, अब तू दुखी मैं दुखी, बाकी जिंदगी दुखी दुखी होके काट ले। अगर तुम इतने ही दुखी हो तो अपना दुख लोगों में मत बांटो, लोगों में उत्सव बांटो, लोगों में उत्सव बांटो, उत्साह बांटो। देखो एक छोटे से कार्य में भी अगर उत्साह हो तो उत्सव बन जाता है, और बड़े से बड़े कार्य में भी तुम्हारा उत्साह न लगे तो बड़ा क्षुद्र काम बन जाता है। हम टटिया स्थान की बात करते थे, जहां पर नेक्सी फूल गिर गई, ठाकुर जी के बंसी से फूल नीचे गिर गया तो 56 भोग लगा दिया। क्यों? कहा ठाकुर जी को बड़ी मेहनत पड़ी होगी फूल गिराने में, इसलिए वहां के महाराज जी ने 56 भोग उत्सव करवा दिया। और हम ऐसे हैं कि जन्माष्टमी के दिन भी ऐसा मुंह लटका के ऐसे बैठे रहते हैं जैसे घर लूट गया। जीवन में उत्सव रखो, छोटी से छोटी चीजों को